नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों पर। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने चुनावी तैयारियों को धार देने की शुरुआत कर दी है। बीते कल अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंचे और उन्होंने अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा का सबके सामने ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी ने रिटायर कर्नल अजय कोठियाल पर दांव खेला है। केजरीवाल ने दूसरी घोषणा करते हुए कहा कि हम उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया देहरादून आए थे। उन्होंने कहा था कि इस पर हम जनता की राय जानेंगे। हमने प्रदेश की जनता से सुझाव लिए हैं, आपसे सीएम कैंडिडेट भी किसे बनाना चाहिए। इस पर लोगों का बेहतरीन जवाब आया है। लोगों ने कहा कि जब से उत्तराखंड बना है तो कुछ पार्टियां और नेताओं ने उत्तराखंड को लूट लिया है। अब हमें पार्टियां नहीं बल्कि देशभक्त फौजी चाहिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने केजरीवाल के उत्तराखंड आगमन पर की गई घोषणाओं को चुनावी स्टंट बताया है। उन्होंने साफ कहा है कि केजरीवाल की बातों को तवज्जो नहीं देते हैं। उन्होंने केजरीवाल पर तंज किया है कि दिल्ली में बैठकर उत्तराखंड के लोगों की समस्याओं को नहीं समझा जा सकता है। इन्हें इस्तीफा देकर उत्तराखंड आ जाना चाहिए। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 31 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एक मरीज की मौत हुई है, जबकि 41 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 330 पहुंच गई है, जबकि सोमवार को प्रदेश में 342 सक्रिय मामले थे। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 34,026,037 हो गई है। पौड़ी में तहसील दिवस के मौके पर डीएम डॉक्टर विजय कुमार ने आम लोगों की शिकायत सुनी। इस दौरान करीबन 76 शिकायतें दर्ज की गईं, जिसका निस्तारण करने के लिए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण तहसील स्तर पर ही करना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें परेशानियों का सामना करते हुए जनपद मुख्यालय न आना पड़े। डीएम डॉक्टर जोगदंडे ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि जिन प्रकरणों पर प्रस्ताव तैयार किए गए हैं उन पर शीघ्रता से कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने विवादस्त मामलों की जांच आख्या भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। प्रमाण पत्र में पहले पूर्वी पाकिस्तानी लिखे होने की, फिर बाद में पूर्वी बांग्लादेश लिखे होने की अफवाह ने तूल पकड़ लिया था। इस मामले पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, बीजेपी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि प्रमाण पत्र में कोई भी अतिरिक्त शब्द जोड़ा नहीं गया है। वहीं सितारगंज से बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुड़ा ने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तानी शब्द या पूर्वी बांग्लादेशी शब्द पूरी तरह से हटा दिया गया है। एक दो दिन में जियो जारी कर दिया जाएगा। सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसमें जो हमारे बंगाली समुदाय के लोग जो विभिन्न जातियों के उत्तराखंड में रह रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट में जो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश लिखा गया था उसको पूरी तरह से डिलीट करके और कोई अन्य शब्द उसमें नहीं लिखा जाएगा और उनको वही सुविधाएं मान्य होंगी जो पूर्व में मिलती रहती। उत्तराखंड में निवास करने वाले हमारे बंगाली समाज के भाई बहन हैं, इनके बच्चों को जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता था जिसपे पूर्वी पाकिस्तानी / बांग्लादेशी लिखा होता था। बंगाली समाज सदियों से इसको एक कलंक के रूप में मानता था, हमको भी लगता था यह कलंक है। समाज के लोगों ने कई सालों तक संघर्ष किया लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। कल की कैबिनेट में हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे इसके कलंक को धोने का काम किया गया है। मैं बंगाली समाज को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उत्तराखंड के समस्त बंगाली समाज के हर व्यक्ति को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कल माननीय पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के द्वारा और पूरी कैबिनेट के द्वारा जो प्रस्ताव पारित हुआ है कि बंगाली समाज के जाति प्रमाण पत्रों में जो पूर्वी पाकिस्तान शब्द लिख के आता था, एक कलंकित शब्द लिख के आता था, उसको कल हटा दिया गया है।
आज सोशल मीडिया पे मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे लोगों ने कुछ अखबार की कटिंग पोस्ट करी है कि उसमें पूर्वी बंगाल ऐड करा गया है पूर्वी पाकिस्तान की जगह। वो एकदम ही गलत, सरासर गलत न्यूज है। आपने अभी माननीय सुबोध उनियाल जी जो कैबिनेट मंत्री हैं और माननीय अरविंद पांडे जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, दोनों के वक्तव्य आपने सुने हैं। और मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूं बंगाली समाज को कि सिर्फ पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटा है, उसमें कोई पूर्वी बंगाली शब्द ऐड नहीं किया गया है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप फिर हाजिर होंगे यूके बुलेटिन में।